आज थम जावेलो प्रचार। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना री सगली सीटा सहती 10 राज्य री 96 लोकसभा सीटा माथे 13 मई ने पड़ेला वोट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाराष्ट्र औरंगाबाद में राखे गया कार्यक्रम में कर संबोधित युवावासु संतार गुरुवारा दिखाएड़ा गेला माथे चौलबारी कर अरज। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर अरसेम पित्रोदा माते साध्य निशानो कया कांग्रेस पार्टी रा बयान भारत ने बाटवाड़ा। राज्य क्रीडा परिषद की काणीसू जयपुर रा एसएमएस स्टेडियम में खेल अकादमी में प्रवेश खातर कर जा रो चयन न्यारा न्यारा खेला सारू 17 मई ताई चालेली प्रक्रिया। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने चालता कई ठोरा माते बिरखारे साथे पड़ा ओला। मौसम महकमो आज कई संभागा में बिरखारे जताई संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। सा मैं हूं आपके साथ अनुजा जाड़ू खबरा जोवा विकतवार। लोकसभा चुनाव रा चौथा चरण खातर चुनाव प्रचार आज संजिया थम जावेलो। चौथा चरण में 13 मई ने 10 राज्य 96 लोकसभा सीटा माते मतदान वेलो। इन चरण में आंध्र प्रदेश की सगली 25 और तेलंगाना की सगली 17 लोकसभा सीटा खातर मतदान फैला। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होना है। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजनीतिक दलों के सामने चौथे चरण में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज महाराष्ट्र दौरा माते हैं। मुख्यमंत्री औरंगाबाद माया महाश्रमण जी रा दर्शन कर आयोजित कार्यक्रम ने संबोधित कराया। वना कया कि इंसान सत्कर्म रा मार्ग माते चाल जीवन में सफलता हासिल कर सके है। इन मौका माते मुख्यमंत्री युवा वासु संता और गुरुवारा दिखाएड़ा गेड़ा माते चालबारो अरज करया। मुझे गुरु जी का आशीर्वाद मिला और गुरु जी के आशीर्वाद के साथ साथ मैंने दिल्ली में भी गया था हमारे आश्रम और मैंने राजस्थान के अंदर भाजपा रा राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा माते निशानो साध्या। वणा आज जयपुर थापित भाजपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता व्या कया कि कांग्रेस अपना वोट बैंक ने मजबूत करवा खातर सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर ने खास प्रवक्ता बनाया है। वणा कया कि कांग्रेस रा प्रवक्ता भारत ने विखंडित करवा वाला बयान देवे है। भारत को विखंडित करने का, भारत को कमजोर करने का वक्तव्य देते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान को
मजबूत राष्ट्र बनाकर भारत को धमकाते हैं। उनका तात्पर्य है कि विभाजनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके वो वोट प्राप्त करेंगे, इसलिए वो सेम पित्रोदा का काम में लेते हैं और पाकिस्तान को मजबूत बताकर भारत के अल्पसंख्यक वोट बैंक को इग्नोर करेंगे, इसके लिए वो मणिशंकर अय्यर का नाम लेते हैं और फिर स्ट्रेटेजी के अंतर्गत उनके बयानों से किनारा कर लेते हैं। हमारा कहना है कि इन दोनों का वक्तव्य कांग्रेस पार्टी का ही वक्तव्य है और एक कांग्रेस पार्टी की वास्तविकता का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा मेरा कहना है कि कल माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया वो हताशा और खुन्नस से भरा हुआ वक्तव्य था। खुन्नस उनको इस बात की है कि उनका बेटा चुनाव हार रहा है और हताशा इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी उनको सम्मान नहीं देकर रायबरेली फार्म बनाने जा रहे थे, उनको अमेठी भेज दिया। तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में स्टेटमेंट दिया। उनको याद रखना चाहिए कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है, उनसे प्रेरणा लेते हैं, इसलिए मोदी की गारंटी केवल एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता की गारंटी है, ये मोदी जी बार बार कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान में 25 सीटा माते भाजपा रे जीत रो दावो कर्या। वनाटोक में पत्रकारा सु बातचीत में विपक्ष माते भ्रामक प्रचार रो आरोप लगाया। लोकसभा अध्यक्ष कया के कांग्रेस झूठ री राजनीति कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष के नाते मैंने कोशिश की कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा प्रतिष्ठा बनी रहे, सबको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिले, ज़्यादा से ज़्यादा विधेयक पारित हों, उन विधेयकों पर चर्चा हो। और मैं कह सकता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत की प्रतिष्ठा बहुत है। अभी चुनाव का दौर चल रहा है, इतने बड़े देश के अंदर हम सबको गर्व होता है कि हमारी लोकतंत्र सशक्त मजबूत है। मतदाता अधिक से अधिक मतदान करें, लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके उनकी नीतियां फैसले और किस तरीके से उन्होंने देश के विकास और गरीब कल्याण की योजनाएं शुरू की है, उससे लोगों का विश्वास भरोसा मोदी जी के प्रति बढ़ा है। आज दुनिया में भारत की ताकत भी बढ़ी है और विश्वास भी बढ़ा है। इसी के साथ साथ माननीय मोदी जी जो जिन्होंने हमेशा संविधान का सम्मान किया, भारत की संसद में भी संविधान दिवस मनाने की पहल की तो मोदी जी ने की। राज्य सरकार जेके लॉन सपाखाना में प्लाज्मा चोरी प्रकरण में ब्लड बैंक का इंचार्ज डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी ने तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दियो है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह बताया कि जेके लॉन सपाखाना में लैब टेक्नीशियन रिकाणी से प्लाज्मा चोरी रो मामलो सामने आयो हो। इन मामला में गठित कमेटी की रिपोर्ट में कई लापरवाही सामने आई है। टोंक में बनास नदी माते बन रहा पुल रो पिलर 42-48 से बीच रखा गया, 5 गाटर आंधी अरबी खारे चालते पड़ गया। इंडी जानकारी मिलबा रे पच्छे पीडब्ल्यूडी महकमा रा अतिरिक्त मुख्य अभियंता आरसी मीणा सहती दूजा एहलकार मौका माते पू गया और पड़ा व्या भाग रो जायजो लिया। आरसी मीणा बताया कि इन मामला में पुल बनाबा आला ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। तो अभी जो हमने देखा है और जो फीडबैक हमने हमारे यहाँ के जो एजेंसी है और दूसरे हमारे जो यहाँ के इंजीनियर हैं, हमारे ENXCN और SC है, सभी से इसकी जानकारी हमें मिली है। तो इसमें जो बात आई है कि सब आंधी की वजह से, तो वो इतने बड़े गाडर आंधी की वजह से तो फेल नहीं हो सकते, ये बात सही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो हमारी जो लेबर यहाँ काम कर रही है, जो एजेंसी की जो लेबर है, जो हाइड्रा मशीन बड़ी मशीन को ये जो काम में ले रहे हैं,
उस मशीन का ऑपरेशन ठीक ढंग से न होने से एक गर्डर पर उसकी टक्कर लगने से, हाइड्रा मशीन का बूम एक गर्डर से टक्कर होने से वो गर्डर डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि गर्डर की हाइट 2.7 मीटर है और गर्डर्स के बीच की जो स्पेसिंग हमारी वो 2.4 मीटर है। तो एक गर्डर जैसे ही वो हमारा गर्डर टिल्ट हुआ, वो दूसरी गर्डर से टिका, दूसरी गर्डर से तीसरी, तीसरी से चौथी, क्योंकि जो गर्डर हैं हमारी ये वर्टिकल सेक्शन के लिए ही डिजाइंड होती है, क्योंकि इनकी ताकत सिर्फ खड़ी गर्डर में ही होती है। यदि गर्डर आड़ी हो जाती है तो वो स्ट्रेंथ लेस हो जाती है। तो जैसे ही गर्डर आड़ी हुई तो वो अपनी ताकत उसकी जीरो हो जाती है। यदि ज़मीन पर रखी हुई गर्डर को भी हम यदि आड़ी कर देते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। तो जो आई सेक्शन है उस पर वो मशीन के टक्कर होने से जो एक गर्डर दूसरी गर्डर से टकराया है तो वो गिरते गिरते वो सभी गर्डर हमारी आड़ी होने की वजह से वो नीचे गिरना स्वाभाविक था इसमें, क्योंकि ये सारी वर्टिकल सेक्शन के लिए ही डिज़ाइन होती है। बाकी इसमें जो क्वालिटी वाली बात है, क्वालिटी जैसा इशू नहीं है, ये लापरवाही वाला इशू है। कॉन्ट्रैक्टर की जो काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं या जो मशीन को जो ऑपरेट कर रहा था उसकी लापरवाही की वजह से पहले चरण में जो हम एट ए ग्लांस हमने देखा उससे यही लगता है कि उसकी लापरवाही की वजह से ये हुआ है। इसमें बहुत लोगों ने भ्रम फैलाया, ब्रिज गिर गया, ऐसे हल्का निर्माण है। इसमें निर्माण एक नंबर है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई भ्रम नहीं फैलाया। इसमें 5 गटर गिरे हैं, इतनी कोई बड़ी हानि नहीं हुई है और इसको हम जल्दी पूरा करेंगे। टोंक बनास नदी पर बन रहे हाई लेवल ब्रिज के 5 गटर शुक्रवार की शाम आंधी और बरसात के दौरान की नीचे गिर गए। एक हादसा टला है, उस समय कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या कारण रहा ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। एक और जहां ग्रामीण और यहां पर काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि आंधी और बरसात के बीच में अचानक ये नीचे गिर गए। वहीं दूसरी ओर साइड पर काम कर रहे इंजीनियर का कहना है कि हाइड्रो का एक हिस्सा इन गड्ढर से टच हुआ और उसके चलते जो है ये गड्ढर जो है नीचे आ गिरे। कारण कुछ भी हो जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्माणाधीन पुल का जो है एक हिस्सा जिसे कह सकते हैं गर्डर जो है नीचे गिरे हैं, तो सवाल तो उठ खड़े होंगे। रवि टेलर, टीडी न्यूज, टॉक। आर्मी स्किल ट्रेनिंग सेंटर काणीसू जयपुर मिलिट्री स्टेशन रा सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में दीक्षांत समारोह रो आयोजन करे गयो, जिन में लुकाया ने सशक्त और आत्मनिर्भर बना बारे स्किल रा प्रमाण पत्र बांटा गया। आर्मी स्किल ट्रेनिंग सेंटर की सेक्रेटरी स्निग्धा चौहान बताया कि ब्यूटिशियन, टेलरिंग और डेटा एंट्री ऑपरेटर री स्किल सीख वाली लुकाया ने प्रमाण पत्र बांटा गया। यह कोर्स के जरिए लुकाया खुद रो व्यापार शुरू कर सके है। हमारे सेंटर का मेन उद्देश्य है महिला, सशक्त महिला, और वही जो है वो सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ पे कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिसमें जो हमारे सैन्य परिवार हैं उनकी महिलाओं को हम कोशिश करते हैं कि उनको व्यवसायिक तौर पे कौशल बना के कुशलतापूर्वक उनको स्किल सिखाएं, ताकि वो आगे जाकर किसी भी आपत जब ऑड सिचुएशन आती है या कभी अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपने आप को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रख सकें। उनको कभी भी अपने दैनिक जीवन में किसी के ऊपर में डिपेंड ना होना पड़े। 3 कोर्सेज शुरू हुए थे, जिसमें कि टोटल 84 महिलाओं ने इन कोर्सेज में अपने नाम एनरोल कराए और 74 जो हैं वो सक्सेसफुली इस कोर्स को कंप्लीट करके आज उनकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई। ASTC के अंतर्गत, हमारे आर्मी के अंतर्गत जो हमारे कोर्सेज कराए जाते हैं VTC में, उसके तहत हमने सेट से जैसा कि नाम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेलर, ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोर्स किया, जिसके लिए कि इवन मैं कह सकती हूँ मुझे स्टार्टिंग में एक मशीन चलानी तक नहीं आती थी। मैम ने, हमारी CO मैम, मेरी यूनिट के CO मैम, उन्होंने एनकरेज किया कि नहीं आपको करना चाहिए, इससे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे अपने व्यक्तित्व में हुआ है। आज मैं एक हाउसवाइफ से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हूँ। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मेरा स्किल अप हुआ है, साथ ही मेरे इनकम के नए स्रोत मुझे मिले हैं और मैं अपने इस कार्य को आगे बढ़ाकर अपनी आय के नए स्रोत
और बढ़ाना चाहती हूँ। मैंने अभी छोटा सा पार्लर घर मतलब क्वार्टर में ही खोल रखा है। उसमें क्या है, मैं पहले तो अपने आप को ही मतलब सजाती संवारती हूँ। मैंने जो यहाँ पे कोर्स किया उससे सबसे पहले मैंने अपने आप को खुद को संवारना मतलब खुद को संवारना सीखा। फिर उसके बाद क्या है, अभी दूसरे हमारे पास प्रॉपर क्लाइंट आते हैं, प्रॉपर मतलब सब कुछ हो रहा है। पहले हमें कुछ नहीं आता था, हमें यहाँ आके सब मतलब बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला जिससे हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा। सबसे पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, थोड़ा बहुत तो सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन यहाँ आने से हमें सब कुछ सीखने को मिला और हमें इतना आगे बढ़ने को मिला। और हम ब्यूटीशियन का कोर्स किए 6 महीना, उसमें से सारी चीज़ें फ्री और कॉस्ट मिली हमें, कुछ भी इतना कुछ अर्न कर, और जो भी हम करते हैं अभी करते 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 थोड़ा थोड़ा करते करते हमने 6 महीने में इतना कुछ सीख लिया कि ताकि हम दूसरों का भी कर सकें। भारत विकास परिषद उत्तर पश्चिमी प्रांत रिकाणीसू 2 दिनरी क्षेत्रीय कार्यशाला री आज जयपुर स्थापित जयसिंहपुरा में शुरुआत हुई। कार्यशाला रो उद्घाटन भारत विकास परिषद रा राष्ट्रीय महामंत्री दुर्गा दत्त शर्मा करया। कार्यशाला में 7 प्रांतासू आयडा प्रतिनिधि भाग ले रहा है। इन मौका माते दुर्गा दत्त शर्मा बताया कि भारत विकास परिषद स्वस्थ समृद्ध और संस्कारी भारत रा निर्माण री परिकल्पना ने लेर काम कर रही है। ये जो 1.5 दिन की कार्यशाला यहाँ हो रही है, ये क्षेत्र स्तर पर हो रही है, रीजन स्तर पर हो रही है। रीजन से मतलब यह है कि हमारा जो पूरा राजस्थान का क्षेत्र है जिसमें 7 प्रांत आते हैं, वह उनके सब वरिष्ठ कार्यकर्ता इस जो अपेक्षित हैं वह इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है सेवा और संस्कार का, वह कैसे पूरे राजस्थान क्षेत्र में उनका संचालन हो, हमारा सिस्टम क्या है, हमारे नियम क्या है, हमारा प्रोटोकॉल क्या है, हमारे काम करने की पद्धति क्या है, हमारे सब नियम क्या हैं, उन विषयों की जानकारी इस कार्यशाला में होती है। 1.5 दिन की इस कार्यशाला में सभी यहाँ से लाभान्वित होकर अपने प्रांतों में जाकर ये कार्यशालाएं करेंगे और प्रांत जो है फिर शाखा स्तर पर जाकर इन कार्यशालाओं को निष्पादित करेगा। भारत विकास परिषद एक परिकल्पना लेकर के कार्य कर रही है, स्वस्थ समर्थ और संस्कारित भारत का निर्माण। और इसके लिए भारत विकास परिषद अनेक कार्यक्रम चलाती है, पूरे देश भर में एक ही समान चलते हैं। उन कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण है बच्चों के संस्कार के, युवाओं के संस्कार के, प्रौढ़ों के संस्कार के, ताकि हमारा एक अच्छे समाज का निर्माण हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो, समर्थ हो और संस्कारित हो। प्रौद्योगिकी राह खेतर माए भारत री उपलब्धियां खिणी सू छिपेड़ी नी है। आज भारत तकनीकी प्रगति माए दुनिया माए सबसे आगे है। 11 मई 1998 माए भारत पोखरण परीक्षण रह जरिए परमाणु प्रौद्योगिकी रो नुवो अध्याय लिखे हो। जत्सु इन दिन ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रा रूप माए मनाया जावे है। थे जो वो यारपट 11 मई का दिन भारत की तकनीकी प्रगति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। वर्ष 1998 में इसी दिन भारत ने अभूतपूर्व पोखरण परीक्षण के माध्यम से परमाणु प्रौद्योगिकी में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। तब से लेकर अब तक भारत हर बरस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर तकनीक की दुनिया में अपनी उपलब्धियां दुनिया के सामने रखता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो वैज्ञानिक उत्कृष्टता और तकनीकी प्रगति की निरंतर खोज को बढ़ावा देता है, साथ ही अपने वैज्ञानिक इतिहास को याद करने को प्रेरित करता है। In 2024, the celebration will include events, seminars and discussions highlighting India's achievements and advancements in science, technology and innovation. It also provides an opportunity to reflect on how technology has transformed our lives and continues to drive the progress in various fields from healthcare to digital communications to sustainable development and clean energy. भारत के दूरदर्शी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। Nowhere else in the world have we witnessed the digital transformation of an entire country with more than a billion people who have access to digital technology, thus bridging this vast digital divide. This includes initiatives like DigiLocker, Aadhaar, MyGov, UPI and all other massive digital public infrastructure initiatives which are actually served free as digital public goods.
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सिर्फ पीछे मुड़कर देखने का नहीं है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से लोहा लेने का है। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का विषय सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी हमारे समय की तात्कालिकता को दर्शाता है। ये हमारी दुनिया की बेहतरी के लिए नवाचार का उपयोग करने का एक स्पष्ट आह्वान है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ती गर्मी माए पीबा रा पानी की समस्या ने देखता व्या झुंझुनू जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल चढ़ावा शहर रो दौरो कर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था वारो जायजो लीना। इन मगत जिला कलेक्टर जलदाय महकमा री काणी सू करी जा रही जल आपूर्ति रा संबंध में एलकारा सू जानकारी लीनी। जिला कलेक्टर पेयजल समस्या बारा त्वरित समाधान खातर ब्लॉक स्तर माते कंट्रोल रूम बनाबारा निर्देश दीना। चिड़ावा शहर का निरीक्षण किया है तो जो पानी के कई इश्यूज आ रहे थे, चिड़ावा है, पिलानी है, बुहाना है, अपने डिस्ट्रिक्ट के तीन एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। तो अभी पिछले कुछ दिनों से, पिछले दो दिन से एक्चुअली, हमारे जो सारे अधिकारी हैं, हमारे एसडीएम तहसीलदार, बीडीओ नायब तहसीलदार, ईओस, बीडीओस, सारे लोग जो है अभी फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं ये समझने के लिए कि पानी की सप्लाई में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो उसी के क्रम में मैंने भी राउंड लिया है। तो कुछ हमने अभी साइट विजिट करी है चिड़ावा शहर में, तो कुछ समस्याएं सामने आई हैं कि जैसे जो शहर में ट्यूबवेल्स हैं उनका कुछ मैनेजमेंट सिस्टम अभी क्लियर नहीं है कि कौन ट्यूबवेल को ऑन करेगा, कौन ऑफ करेगा। तो इस टाइप के कई इश्यूज आ रहे हैं। तो पीएचईडी विभाग को डायरेक्शंस दिए हैं कि प्रॉपर कमेटी बनाकर टाइमिंग को सेट करेंगे कि कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, कौन ऑन करेगा, कौन ऑफ करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ जगह इश्यूज आ रहे हैं कि पंप की जो मोटर है उसकी कैपेसिटी कम है, डिमांड आ रहा है कि कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो एज पर नीड, हर जगह संभव नहीं होगा, एज पर नीड अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां पर हमने मोटर की कैपेसिटी बढ़ाने के डायरेक्शन दिए हैं। राज्य क्रीड़ा परिषद री काणीसू जयपुर स्थापित सवाई मानसिंह स्टेडियम माए खेल अकादमी माए प्रवेश खातर चयन प्रक्रिया राखी जा रही है। जयपुर जिला खेल एहलकार करण सिंह राजावत बताया कि कबड्डी, हॉकी, तीरंदाजी, कुश्ती, सैती न्यारा न्यारा खेला खातर ट्रायल आबाड़ी 17 मई तई जारी रहे। ये 11 से 17 तक चलेंगे और आज जो है कबड्डी और आर्चरी हॉकी का है। इनके अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 12:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद में इनका बैटरी टेस्ट होगा, फिर नेक्स्ट डे इनका गेम, जो भी गेम है उसका गेम की ट्रायल होगी, उस आधार पर हम इनका एडमिशन करेंगे और उसके बाद में मेडिकल कर रहे हैं, फिर इनका बैटरी टेस्ट होगा। बैटरी टेस्ट में जैसे 800 मीटर की रनिंग है, लॉन्ग जंप है, वर्टिकल जंप है, ब्रॉड जंप है और मेडिसिन बॉल थ्रो है, 30 मीटर फ्लाइंग, ऐसे करके 8 बैटरी टेस्ट है इनके। और 12 तारीख को है वॉलीबॉल, कुश्ती, साइकिलिंग एंड 13th को है एथलेटिक, हैंडबॉल एंड हैंडबॉल एंड 14th को है पैरा खेल जो है एथलेटिक्स के, वो 14 को है और पावर लिफ्टिंग पैरा, ये 14 को होंगे और 16 को है बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। प्रदेश माय पश्चिमी विक्षोभ रचालता कई ठोरा माते आंधी रे साथे बिरखा भी वटे कई ठोरा माते ओला पड़या। मौसम महकमा रे मुजब लाला 24 घंटा माय सबसू 32 बिरखा उदयपुर रागो गुंडा माय 75 मिलीमीटर दर्ज करेगी। मौसम माए आया इन बदलाव सू लोगों ने तेज गर्मी सू राहत मिली। मौसम महकमा ने मुजब आज बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और जोधपुर संभाग माए हल्की बिरखा और आंधी चल सके है, साथ ही एक आठ ठोरा माते ओला भी पड़ सके है। कुछ भागों में अगले 2-3 दिन जारी रहेगा, यानी कि 11 और 12 मई को भी दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म, कहीं कहीं तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर की, इसके अलावा आकाशीय बिजली चमकने और कहीं कहीं लाइटनिंग स्ट्राइक की भी संभावनाएं बनी रहेगी। फिर सुजोवा मोटी खबर। लोकसभा चुनाव रा चौथा चरण रा मतदान खाता राज थम जावेलो प्रचार। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना री सगली सीटा सहती 10 राज्य री 96 लोकसभा सीटा माते 13 महीने पड़ेला वोट। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा महाराष्ट्र रा औरंगाबाद माए राख्या गया कार्यक्रम माए करया संबोधित, युवा वसू संता और गुरुवारा दिखाएड़ा गेड़ा माते चढ़वारी करया अरज।
राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, अरसैन पित्रोदा माते साध्या निशाणो, कया कांग्रेस पार्टी रा बयान, भारत ने बाट बाड़ा। राज्य क्रीड़ा परिषद भी काणीसू जयपुर रा एसएमएस स्टेडियम में खेल अकादमी में प्रवेश खातर करो जा रो चयन, न्यारा न्यारा खेला सारू 17 मई ताई चाले ली प्रक्रिया। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ चलता कई ठोरा माते बिरखारे साथ पड़ा ओला, मौसम महकमो आज कई संभाग में बिरखारी जताई संभावना। चालू इन बिल डिटेल में यात्रोच नमस्कार।